नमस्कार, मैं डॉक्टर संजय कुमार गोयल, मेडिकल सुपरिटेंडेंट स्पर्श हॉस्पिटल। कोरोना के विषय में आज फिर से अपने एक्सपीरियंसेस अभी तक जो है उसको साझा करना चाहता हूँ। कोरोना के सिम्टम्स के बारे में, ट्रांसमिशन के बारे में बहुत सारी चर्चाएँ होती रही हैं, हो रही हैं। इसके बारे में हम सब अच्छे से जागरूक हो चुके हैं, लेकिन अब आगे हमें कोरोना को कंट्रोल करना है तो एक माइक्रो लेवल का स्ट्रेटजी मुझे लगता है कि होना चाहिए। आज हम केवल छत्तीसगढ़ प्रदेश की बात करेंगे तो सबसे पहले जो प्रदेश की सीमाएं सील कर दी गई हैं और उसके बाद भी लोग प्रदेश में आ रहे हैं, उनको सबको जब तक प्रूफ नहीं हो जाता है हमें कोरोना पॉजिटिव मान के चलना है, और अभी नई गाइडलाइन के अनुसार उनको 28 दिन के लिए क्वारंटाइन करना होगा। ये जब सीमाएं सील हो गई और नए लोगों का कम्युनिटी में आना बंद हो जाएगा तो अब हमारे पास सबसे बड़ा चैलेंज बचेगा कि छत्तीसगढ़ के अंदर जो मौजूद लोग हैं उनमें आपस में ट्रांसमिशन को कैसे रोका जाए। तो उसमें भी दो तरीके की पॉपुलेशन हमारे पास बचेगी। एक तो हेल्दी पॉपुलेशन जिसमें कोरोना का वायरस नहीं होगा, दूसरा जो कैरियर है एसिम्प्टोमेटिक है या माइल्ड सिम्टम्स है, तो उनको आइडेंटिफाई करना अभी बहुत मुश्किल काम है। उनको क्वारंटाइन करना, उनके सिम्टम्स को जानना और सीधा पैथोलॉजी टेस्ट के लिए भेजना वो बहुत मुश्किल काम होता है। अगर कोरोना को कंट्रोल करना है तो हमें इन्हीं लोगों से हेल्दी के जो पॉपुलेशन है उसमें ट्रांसमिशन को रोकना बहुत ज़रूरी है। और ये ट्रांसमिशन जब व्यक्ति के शरीर में वायरस घुसता है तो 14 से 28 दिन तक ट्रांसमिशन हो सकता है। तो हमको जो भी कैरियर है वहाँ पे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज़्यादा बन जाती है। इसलिए जब तक प्रूफ नहीं हो जाता है कि ये व्यक्ति को कैरियर है तो हर व्यक्ति को अपने आप एक कैरियर मान के चलना चाहिए और उसका व्यवहार इस तरह से होना चाहिए कि वो वायरस को कैरी कर रहा है और उसका ट्रांसमिशन दूसरे व्यक्ति को वो कर सकता है। तो ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है जो लोगों को समझना पड़ेगा, जो कि मुझे सबसे बड़ी जो कमी लग रही है। प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी सबने इसके बारे में बार बार कहा है और लोग इस चेन को तोड़ने की कोशिश हमेशा करते हैं। रोज सवेरे आप अपनी जरूरी वस्तुओं के सामान के लिए बाहर निकल रहे हैं, तो मैंने अभी भी देखा है कि लोग इस चीज़ को इतनी गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। उनको लग रहा है कि छत्तीसगढ़ में तो 7 ही केस है, लेकिन हमने अपने एक्सपीरियंसेस से अभी देखा है कि ये 7 से 700 होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। पूरे इंडिया की बात करें तो लगभग 14 मार्च को लगभग हमारे कंट्री में 100 केस थे और 28 मार्च आते आते वो 10 गुना बढ़ गए, 1000 हो गए, और आज का फिगर हम देख रहे हैं 1800-1900 के पास चला गया है। तो ये ट्रांसमिशन शुरुआत में अगर नहीं रोका गया, इस चेन को नहीं तोड़ा गया, तो इतना रैपिड ट्रांसमिशन होगा कि एक स्टेज के बाद ये चीज हमें संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसके लिए मुझे सबसे जो कारगर तरीका कई गाँव में जैसे अपनाया जा रहा है कि लोग अपने गाँव की सुरक्षा खुद कर रहे हैं। गाँव की सीमाओं पर उन्होंने अपना बैरिकेड्स लगा दिए हैं और गांव में कोई भी नया व्यक्ति आता है तो उसको संदिग्ध मानकर अपने लेवल पे मैनेज कर रहे हैं। इसी तरह से हमें प्लानिंग अपने घर की भी करना होगा। हमारे घर में कोई भी व्यक्ति जिसको कोई भी सिम्टम्स लगते हैं हमको उसको सेल्फ क्वारंटाइन करना होगा। और आज भी मैं देखता हूँ कि लोगों के घरों में काम वाली बाइयाँ आ रही हैं, लोग सब्जी खरीदने जाते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग की जो बात हो रही है उस बैरियर को तोड़ने का कोशिश करते हैं। तो ये बहुत 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 मुश्किल काम है किसी भी गवर्नमेंट के लिए। ऐसी कंडीशन में हम लॉकडाउन पीरियड को कितने दिन भी रखें या कितने दिन भी बढ़ाते जाएं तो इससे स्थिति कंट्रोल होने वाली नहीं है। तो मेरा समाज में स्थित सभी हेल्दी और कैरियर व्यक्तियों से हाथ जोड़ के अनुरोध है कि वो अपनी जिम्मेदारी को समझें, क्योंकि इस लड़ाई में जब तक आपकी भागीदारी नहीं होगी कोई भी सरकार या कोई भी प्रशासन कभी भी किसी की कुछ मदद नहीं कर सकता। एक और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट मुझे जो लगता है कि जो पब्लिक कॉन्टेक्ट्स में जो फिगर आ रही हैं, लोग आ रहे हैं, जैसे डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, पुलिस है, हमारे पत्रकार बंधु हैं, हमारे दुकानदार में सामान बेचने वाले जो लोग हैं, वो सबसे ज़्यादा हाई रिस्क पे हैं। वो पॉइंट सोर्स है जहाँ पे कोई अगर कैरियर आके उनके कॉन्टेक्ट्स में आता है और उसके बाद वे व्यक्ति जब मल्टीपल लोगों के कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं तो वो कोरोना ट्रांसमिशन के लिए सबसे पोटेंशियल सोर्स मुझे जो लगता है इस तरह के लोग हैं। तो इनकी सुरक्षा कैसी की जाए
इनको कैसे पर्सनल प्रोटेक्शन दिया जाए, ये मुझे लगता है कि प्रशासन को इस विषय में अब सोचने की जरूरत है। क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ, मेरे साथ मैं मरीज को देखता हूँ, उसमें से कौन सा कोरोना पॉजिटिव है कौन सा निगेटिव है ये आइडेंटिफाई करना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर मैं कैरियर हो जाता हूँ उसके बाद मैं बैठे बैठे डेली कम से कम 50 पेशेंट्स को और देखता हूँ, और अगर उन 50 पेशेंट्स को वायरस का ट्रांसमिशन करता हूँ तो ये चेन कभी भी रुकना बहुत मुश्किल होगी। तो मुझे लगता है कि हर डॉक्टर्स को भी इस चीज़ का रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेना चाहिए और पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स है वो पहन के ही अपने क्लिनिक में बैठें। और मरीजों से भी मेरा ये रिक्वेस्ट है कि जब तक जरूरत ना पड़े, जब तक इमरजेंसी ना हो, तब तक वो हॉस्पिटल, तब तक किसी भी डॉक्टर के क्लिनिक या हॉस्पिटल में ना जाएं। फोन से सारे नंबर आपके पास अवेलेबल हैं, आप फोन से इलाज के बारे में पूछ सकते हैं। और एक और सबसे इम्पोर्टेंट चीज मुझे लगता है कि अब सेकेंड स्टेज में हम लोग ऑलरेडी हैं, तो हमारी भविष्य की तैयारियां किस तरह से होनी चाहिए। तो गवर्नमेंट को ऑलरेडी इसके लिए अभी शंकराचार्य कॉलेज, चंदूलाल कॉलेज, एम्स, बाकी जो एक इंस्टीट्यूट है उसमें ऑलरेडी तैयारियां चल रही हैं। तो मैं डॉक्टर समाज से भी अनुरोध करूंगा कि वो वॉलेंटरली अगर ज़रूरत पड़ती है तो अपने अपनी स्पेशलिटी के हिसाब से वॉलेंटर करें, और गवर्नमेंट के जो इसलिए नेक काम है और जो समाज की ज़रूरत है उसमें अपना योगदान दें। क्योंकि गवर्नमेंट ने भी आपके लिए बहुत कुछ किया है, हम सब गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़े हुए हैं और आज हमारा वक्त आया है कि हमें समाज को हमको कुछ देना चाहिए। तो इस मुहिम में अकेले ना गवर्नमेंट, ना अकेला व्यक्ति, ना कोई अकेला प्रशासन कुछ भी नहीं कर सकता है। तो हम सबको लड़ाई लड़नी है, समाज का काम है कि ट्रांसमिशन की चेन को कैसे तोड़ा जाए, उसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करे, अन्यथा किसी भी गवर्नमेंट के लिए ये काम बिल्कुल भी असंभव है। कल आपने दिल्ली में कुछ घटनाएं देखी हैं वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। गवर्नमेंट ने ऑलरेडी अनाउंस किया हुआ था कि इस तरह की एक्टिविटी, मल्टीपल लोगों को एक जगह पे जमा होना बिल्कुल नाजायज है, गैर कानूनी है, उसके बाद भी इस तरह की हरकतें, गैर जिम्मेदाराना हरकतें जो देखी हैं जिसके कारण पूरे इंडिया में ट्रांसमिशन हुआ है। तो आपसे हाथ जोड़ के ये गुजारिश अंत में मैं करूँगा कि आप अपने आप को एक कैरियर माने और सामने वाले को भी एक कैरियर माने, और दोनों से हेल्दी व्यक्ति की तरफ ट्रांसमिशन कैसे ना हो, इसके लिए आपकी जिम्मेदारी हमारी जिम्मेदारी है। जब तक इसको पूरा नहीं करेंगे तब तक किसी भी व्यक्ति से ट्रांसमिशन कभी भी कहीं भी हो सकता है। धन्यवाद।